हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष गैजेट। जैसे कि गाइस सभी को पता है, अल्लू अर्जुन सर की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी पुष्पा द रूल के लिए काफी हेवी रश और ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। शूटिंग स्पॉट से काफी सारे वीडियो लीक हो रहे हैं, फोटो लीक हो रहे हैं, जहां पे शूटिंग चल रहा है वहां पर फैंस लोग भाई वीडियो काफी सॉलिड लेवल पे वायरल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब काफी लोग कॉमेंट कर रहे हैं कि हर्ष भाई पुष्पा द रूल पे कोई बिगेस्ट अपडेट आया है क्या, आया है तो शेयर कर दीजिए। बिल्कुल गाइज, भंवर सिंह शेखावत यानी कि फहद फाजिल से रिलेटेबल काफी बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है और पुष्पा द रूल की टीम ने भाई बॉलीवुड के एक बिगेस्ट एक्टर को अप्रोच किया था कैमियो के लिए, इम्पोर्टेंट रोल के लिए। अब वो इम्पोर्टेंट रोल क्या होने वाला है और भाई क्या भंवर सिंह शेखावत से रिलेटेबल अपडेट निकल कर आ रहा है अपन जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते रहते हैं गाइस आप ही के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज अगर मैं बात करूं पुष्पा द रूल के बारे में तो टीम डायरेक्टर सुकुमार, लीड एक्टर अल्लू अर्जुन सर काफी डेडिकेशन के साथ काम करते हुए नजर आ रहे हैं और पुष्पा द रूल का जो स्क्रीन प्ले होने वाला भाई इतना एंगेजिंग होने वाला है कि आप एक मिनट के लिए भी मूवी नहीं छोड़ पाएंगे थिएटर। भाइयों कास्ट से रिलेटेबल जो बिगेस्ट अपडेट निकल कर आ रहा है वो अपडेट ये निकल कर आ रहा है, बिमल कंपनी के सीईओ यानी कि मिस्टर अजय देवगन सर को अप्रोच किया गया है पुष्पा द रूल में की रोल के लिए, इंपॉर्टेंट रोल के लिए, एज अ कैमियो के लिए। और गाइज आई थिंक उन्हें मना ही कर देना चाहिए, क्योंकि सुकुमार सर को मना कर देना चाहिए, क्योंकि भाई पूरे मूवी के दौरान भाई वो बिमल ही बिमल बेचते हुए नजर आएंगे। अपडेट ये निकल कर आ रहा है कि अप्रोच किया गया, अब बाकी देखते हैं वो हाँ करते हैं या ना करते हैं। और गाइज अगर मैं बात करूं फहद फाजिल के कैरेक्टर के बारे में यानी कि भंवर सिंह शेखावत के बारे में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड अपडेट निकल कर आ रहा है। अपडेट ये निकल कर आ रहा है पुष्पा द रूल में भंवर सिंह शेखावत का कैरेक्टर काफी मोर पावरफुल दिखाई देने वाला है, जितना पुष्पा द रेस में दिखाई दिया था ना तो उससे भी मोर देन आपको पावरफुल दिखाई देने वाला है। और शूटिंग की मैं बात करूं तो भाई राजस्थान में एक प्लेस है भंवर सिंह पैलेस, वहां पर इसके पोर्शन शूट किए जाएंगे। अब भाई पैलेस का भी नाम सेम है, विलन का भी नाम सेम है यानी कि फहद फाजिल का भंवर सिंह शेखावत। तो गाइज हो ऐसा सकता है जब पुष्पा द रेज में अल्लू अर्जुन सर ने क्लाइमेक्स में काफी पावरफुल बेइज्जती किया था ना भाई, तो हो सकता है कि बेइज्जती होने के बाद फहद फाजिल अपने होम टाउन राजस्थान भंवर सिंह पैलेस में चले गए हो, देन वहां पर उन्होंने रिवेंज की तैयारी की हो, क्योंकि उनका जो भी कैरेक्टर देखने को मिला है पुष्पा द रेज में भाई पूरा राजस्थान कैरेक्टर देखने को मिला है। तो भंवर सिंह पैलेस जो कि भाई जयपुर राजस्थान में है तो वहां पर भी कुछ कुछ पोर्शन शूट किए जाएंगे। अब देखना यह है कि डायरेक्टर सुकुमार सर किस लेवल की प्लानिंग करते हैं, किस लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलमोस्ट आप लोगों को भी पता है कि काफी सारी अपडेट निकल कर आ गई है कि फहद फाजिल काफी खूंखार दिखाई देने वाले हैं और भाई इसका क्लाइमेक्स से लेके फाइटिंग सीक्वेंस से लेकर इसके जो डायलॉग्स होने वाले, सिनेमेटोग्राफिक्स होने वाला, शूटिंग पोर्शन जो होने वाले इतना बाप लेवल का होने वाला, इतना इंगेजिंग होने वाला है और इतना मारधाड़ दिखाई देने वाला इससे पहले आई थिंक आपने काफी कम मूवी में देखा होगा। बाकी गाइस आप लोग हमें बताएं, अल्लू अर्जुन सर के फैंस हमें बताएं कि पुष्पा द रूल के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है बिमल पाल मसाला के बारे में, फहद फाजिल सर के बारे में यानी कि भंवर सिंह शेखावत के बारे में। अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में ड्रॉप जरूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।